हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिनिक्स एडयू। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिनिक्स एडयू पे। तो आज हम एक स्पेशल लेक्चर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पर लेकर आए हैं। 11th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अभी अभी जीओसी हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट किए लास्ट में। कुछ बच्चों का कहना था कि सर एक बार आईयूपीएससी का रिविज़न मिल जाए हमें यूट्यूब पर तो बढ़िया रहेगा। बस आप ही के लिए फिनिक्स हमेशा से काम करता आया है और कुछ बच्चों की डिमांड पे हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बेसिक्स क्लियर हो जाए आपके, उस पर एक वीडियो लेकर आए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या स्टडी करते हैं, कार्बन रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हमें स्टडी करने होते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आप हेलो अल्केन, हेलो एरीन है, अल्कोहल फिनोल इथर है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड अमाइंस है। ये सारे जो पार्ट टू में चैप्टर्स है उसको पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। बस आज का वीडियो आपको सारे बेसिक क्लियर करवा के रहेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करें, फिनिक्स एडियो को सब्सक्राइब करवाएं, अब खुद करें, फैमिली मेंबर्स जो आपके रिलेटिव्स है जो 11th 12th 10th स्टैंडर्ड में भी इवन पढ़ रहे तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जल्दी से बच्चों ज्वाइन करवा लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए यूट्यूब इंस्टा। चलो तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख ले कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी सब तक, यस और नो, विजिबल है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो बस आज आग लगा देनी है हमें, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स, अभी तो हम ऐसा ही बोलेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की वजह से स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज की वजह से वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होके एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। उसकी वजह से कार्बन के थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। और इतने सारे कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमने केमिस्ट्री को ही दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम एक अलग ही ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नॉन कार्बन कंपाउंड्स जो है, जैसे मेटल्स के बारे में है, कुछ नॉन मेटल्स के बारे में है, एसिड्स के बारे में, बेज है, एलोइज है जो डी ब्लॉक मेटल्स है, उसको सब हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। ओके, तो आईयूपीएससी स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ये जो हमारे न्यू फ्रेंड है कार्बन उसका भी दे देना चाहते हैं कि कार्बन है क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कौन बताएगा बच्चों, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। यस, वेरी ट्रू, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 and 2p2, है ना। ये बच्चे जो 10th में है उनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आए, वो लोग इस तरह से लिखते हैं 2, 4। ओके, ये जब शेल के इलेक्ट्रॉन बताते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 10th स्टैंडर्ड वाले कुछ इस तरह से बताएंगे। और 11th जिसने अभी पढ़ लिया है, मतलब जो 11th मूविंग 12 है, मूविंग टू 12, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कुछ अपडेटेड होगा, 1s2 2s2 2p2। और डिटेल में जाए तो 1s मतलब फर्स्ट सेल में छगन मगन, है ना, कौन सा रूल, यस, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों स्पिन सेम नहीं बताते इस तरह से।
यस पॉली पॉली प्यार का दुश्मन है ना, तो वो रूल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बतानी होगी, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है 2s2, वो भी हम ऐसे ही छगन मगन बताएंगे। और उसके बाद है डीजनरेट ऑर्बिटल्स, उसमें भी अकॉर्डिंग टू होम्स रूल हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता होगा, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बस ऐसे लिखे अभी बहुत है। ओके चलो, तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन या कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पेड होना चाहते हैं। या सुनो, हम भी एक एज के बाद स्टेबल होने के लिए पेड होना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग तो बस 10th 11th में ही स्टार्ट हो जाते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहां कार्बन के पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेड है, जिनका मैरिज नहीं हुआ है भाई, तो इनको करना है मैरिज। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भाई? दो बना सकता है। इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसके पास दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट ये बात सही नहीं है। कार्बन का जब करने को मन करता है मैरिज तो क्या करेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 एंड 2p3 इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हो अभी कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। सो देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसको पेयरिंग करना है, मतलब वो अपना पार्टनर ढूंढ रहा है भाई, आ जाओ कोई इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। आई होप यू नो क्या कोवेलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, और नहीं पता तो वो भी हम समझा देते हैं क्योंकि कुछ 10th स्टैंडर्ड के हमारे फ्रेंड्स भी होंगे और उनके लिए कोवेलेंट क्या आयनिक क्या हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगी तो इसमें कोई दूसरे एलिमेंट का ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके साथ शेयरिंग करेंगे और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बताइए, आपके सामने है 4। 4 रिलेशन रखेगा, हमने अभी मैरिज की बात की ना, कार्बन कितने करेगा भाई मैरिज, 4 करेगा। 4 कैसे करेगा वो मैंने बताया आपको, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p3 होगा। देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे इसे, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन कितने रिलेशन रखेगा भाई, 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, अभी हम बात कर रहे थे सर, आपने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये भी बता दीजिए, तो हम कवर कर लेते हैं। यस, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम एक एग्जांपल ले ले, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे 2.8.7 है ना, या ऐसा लिखो आप कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, देन 3s2 3p5। तो जो थर्ड सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में हो, और आउटर मोस्ट सेल में देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जानते हो ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये अभी किसी को प्रपोजल रख रहा है कि भाई कोई मेरे को एक दे दो, खुश नहीं है,
कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको तो ये खुश हो जाए। अब जो दूसरा क्लोरीन है उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 ही है, ये भी अभी खुश नहीं है, 287। ओके, ना तो ये खुश है ना ये खुश है। अब दोनों दूर रहने से खुश नहीं है, दोनों क्या होंगे, पास आना चाहेंगे भाई। और जब दोनों पास आएंगे तो क्या होगा, देखो कुछ इस तरह से दोनों पास में आएंगे, सॉरी, जब ये इसके पास में जाएगा इस तरह से तो इसको लगेगा भाई अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और ये का क्लोरीन क्या सोचेगा, अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो उनके फेस ऐसे थे, हैप्पी नहीं थे, वो अब क्या हो जाने हैं, हैप्पी हो जाने हैं। तो यहाँ इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, आप देख सकते हो, हम इसको दूसरे कलर से बता दें, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ चुका है अभी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, तो इसको हम बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर है, लोन मतलब उसने अभी बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, है ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और आसपास जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमने कौन सा बॉन्ड कहा भाई, बोले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना, इसको हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, हम वो भी देख ले एक बार। अरे भाई इसको ऐसे कर दे, डन। देखो ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन 3s1, दैट इज 281 बोल सकते हो आप, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये अभी खुश नहीं है भाई, ये खुश है क्या ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, सस्ते में ले लो भाई, कोई बहुत सस्ते में निकालेगा, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ना वो बहुत कम होगी, इसी को अपना एक देना है इलेक्ट्रॉन किसी को, और पैसे भी कम ले रहा है ये, कोई भी इससे खरीद लेगा, जिसको रिक्वायरमेंट है वो इससे तुरंत खरीद लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा, मतलब ये तो खुश हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वैलेंस शेल का। अब यही चीज हम दूसरी जगह देखें क्लोरीन के लिए, सर क्लोरीन का अभी हमने लिखा 287, ये अभी खुश नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये किसी से लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम देने के लिए रेडी है और ये लेने के लिए रेडी है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा भाई, ये सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको वही कलर से बताते हैं, ये वो बना देगा Cl माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8 हो चुका है, मतलब ये खुश हो गया है। अब यहां पे एक आयन फॉर्म हुआ, पॉजिटिव आयन, जिसको हम बोलेंगे सोडियम कैटायन, और वो एनायन है, कैटायन और एनायन, ये दोनों के बीच में देखो ये खुश है, मतलब हंस रहा है, और दूसरे वाला ये भी खुश है, और जब दोनों हंसे तो प्लस और माइनस ऑपोजिट पोल्स के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन, यहां पे जो अट्रैक्शन रहेगा ना उसी को हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज आयनिक बॉन्ड। होपफुली सब क्लियर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। अब कार्बन के बारे में थोड़ी बात करें हम, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने बोला ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 वैलेंस शेल में, और एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3 होगा। अब उसको इधर चार इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, किसी को बेच देने हैं, या तो चार इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, किसी से उसको खरीदने होंगे। बेच देना मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल चार इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा रेट रखेगा बेचने के लिए, इससे कोई खरीदने वाला नहीं है।
और किसी से लेना होगा इसको 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बहुत पैसे इसको खर्च करने पड़ेंगे, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी बहुत हाई होगा, और उसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन बेच पाएगा ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो ये क्या करता है, ये फिर बीच का रास्ता निकालता है कि भाई ना तो हमें इलेक्ट्रॉन बेचना है ना तो किसी से लेना है, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ये 4 जो नॉन बॉन्डिंग या हम बोले अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको पेयर होना है, अपने आप को एंगेज करना है किसी के साथ, तो वो बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, और इस तरह से कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ओके, तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप बोलोगे कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, है ना, कितने रिलेशन रखेगा भाई कार्बन, 4 रिलेशन रखेगा। होपफुली ये क्लियर होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते यहां पे वाइटल फोर्स थियरी आई थिंक 1808 में बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने यह अज्यूम किया था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग सेल्स ओनली, है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इट कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इन सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स एंड वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ये एक थियरी थी, वाइटल फोर्स थियरी, जिसको एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ ही सालों में बोले बर्जेलियस का कार्ड दिया गया स्टेटमेंट कि भाई आप जो बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते, तो हम बनाएगा। कौन बनाएगा भाई, इन्होंने भाई चमत्कार कर दिया, लैब में यूरिया बना डाला। यूरिया इज NH2CO NH2। जनरली यूरिया ह्यूमन बॉडी में बनता है ना, मतलब लिविंग सेल्स बना सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा था, अज्यूम किया था, थियरी है, थियरी भाई सही भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, वो आने वाली जो जनरेशन है वो उसको कैसे हैंडल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 20 ईयर्स के अंदर एक साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया, कुछ इस तरह से हम ले अमोनियम, मतलब कि NH4 होगा और O- है ना, हो गया ना, 4 हाइड्रोजन, यस। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे भाई, फ्रेडरिच हॉलर, और यहां से फिर बाकी साइंटिस्ट की भी डेयरिंग बढ़ी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने लेवल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज किया, और इसकी वजह से ये जो वाइटल फोर्स थियोरी है ये रॉन्ग प्रूव हो गई। अब हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने लगे, न के जो कंपाउंड लिविंग सेल्स में बनते हैं उनको। तो न्यू डेफिनेशन क्या होगी भाई, जो हमने आपको बताई, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और कार्बन की मोस्ट कॉमन जो हम बोले फ्रेंड है या जस्ट फ्रेंड है ना, हम जस्ट फ्रेंड ऐसे लिखते हैं ना, वो जस्ट फ्रेंड पता है आपको क्या होता है, जस्ट फ्रेंड जो भी होता है ना वो सब कुछ कर सकता है फ्रेंड के साथ, मतलब उसको गाली भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो जस्ट फ्रेंड को हम ऐसे लिखेंगे। हाँ, GF लिखे तो आपको क्या समझना है भाई, जस्ट फ्रेंड समझना है। अब आप बीच से वीडियो देख रहे हो, आप कुछ और समझ रहे हो, तो हम नहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कार्बन की मोस्ट कॉमन जस्ट फ्रेंड
कौन है भाई हाइड्रोजन मोस्ट कॉमन जस्ट फ्रेंड? कौन है हाइड्रोजन? कार्बन के साथ अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता है ना, तो समझ लो हाइड्रोजन है ही, समझ लो वहां क्या है, हाइड्रोजन है ही। तो कार्बन चार रिलेशन रखेगा और कार्बन की मोस्ट कॉमन गर्लफ्रेंड सॉरी जस्ट फ्रेंड क्या होगा? हाइड्रोजन। और इसी को हम बोलते हैं मीथेन। तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। होपफुली आपको टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन बिल्कुल क्लियर होगी। तो आगे बढ़ेंगे हम, हमारा टारगेट है आईयूपीएसी का बेसिक आज क्लियर करना है हमें वीडियो में, और वीडियो फिर बहुत लेंथी होगी तो आप देखोगे नहीं, है ना। और वीडियो देख भी रहे हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। जिसने 11th स्टैंडर्ड पढ़ लिया एक बार, जिसके लिए रिवीजन है, वो वीडियो को 1.5 या 2 टाइम्स करके फास्ट फॉरवर्ड करके हाफ एन आवर में, अगर 1 आवर का वीडियो है हाफ एन आवर में देख सकते हो, तो यू विल एंजॉय, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा और मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो कैटेनेशन के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। व्हाट इज कैटेनेशन? तो ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन अपने खुद के जैसे, मतलब कार्बन कार्बन के ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन 5 कार्बन 10 कार्बन 15 कार्बन 20 30 40 50 इवन मोर देन 50 कार्बन भी लॉन्ग चेन बना सकते हैं। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी रखता है उसको हम कैटेनेशन पावर बोलते हैं। और ये कैटेनेशन पावर पूरे पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑर्गेनेशन, है ना, सारे एलिमेंट्स में ये वाला पावर खुद के ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बनाने का जो पावर है जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, ये किसके पास होता है? सिर्फ कार्बन के पास। सिलिकॉन के पास भी होगा लेकिन कार्बन से कम, जर्मेनियम के पास भी होगा लेकिन कम। कैटेनेशन पावर डाउन द ग्रुप जाओगे डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि साइज बढ़ते जाती है, ओके। और दूसरा, स्मॉल साइज की वजह से कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड, ओके। ये बॉन्ड्स को तो हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, इसको भी सिग्मा बोलेंगे, इसको भी सिग्मा बोलेंगे, लेकिन ये जो मैंने बॉन्ड बताया है रेड कलर से, इसको पाई बोलेंगे हम, है ना। तो कार्बन पाई बॉन्ड भी बनाता है, स्मॉल साइज है उसकी वजह से पाई बॉन्ड में जो पीपी और लैपिंग है ना, इस तरह से जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ये एक पाई बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक्सिस उनकी पैरेलल रहेगी, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, ओके, पैरेलल एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा की कंपेयर में पाई वीक होता है क्योंकि इतना ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। हाँ, सिग्मा बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है वो भी देख लीजिए आप। ये इस तरह से एक्सिस उनकी क्या रहेगी, जो इंटर एक्सियल, जो क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम रहेगी, सेम एक्सिस होगी और ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगा, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है और यहां साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी भाई? सर, स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की अच्छी होगी कंपेयर टू पाई बॉन्ड। स्ट्रेंथ मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे, ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग है ना, ये बहुत स्ट्रांग होगा देखो, और साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसा होता है, वीक होता है। तो पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नंबर दे दे ए बी सी डी, दिस इज योर ए और इसको हम बोल दे बी,
तो ए और बी में क्या स्ट्रॉन्ग है ऐसा पूछा जाए बोन स्ट्रेंथ, तो हम बोलेंगे सर बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए। अब कोई बोलेगा सर यहां पाई लिखा है और पाई बोन तो वीक होता है, भाई यहां सिग्मा बोन भी है और पाई बोन भी है, बी में क्या है सिग्मा प्लस पाई जबकि ए में क्या है ओनली सिग्मा, ओके तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ डबल बॉन्ड। ओके तो स्ट्रेंथ आपको पूछी जाए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन। ओके ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि इसके पास एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा बाकी एडिशनल जितने बॉन्ड ऊपर बने वो पाई समझ लो, तो एक सिग्मा दो पाई है। इधर क्या होगा सर इधर एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है और यहां ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, दैट इज द रीजन कि एडिशनली यहां पे कुछ पाई बॉन्ड की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी मिलती है सिग्मा बॉन्ड को, उसकी वजह से वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? चलो तो ये पाई बॉन्ड क्या है सिग्मा बॉन्ड क्या है ये हमने कवर कर लिया। अब आइसोमेरिज्म क्या है थोड़ा डेफिनेशन बेस देख लेते हैं, आज तो हम कवर नहीं कर पाएंगे आइसोमेरिज्म क्या है, लेकिन द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर कोई कंपाउंड्स की डिफर कर रही है, जैसे कंपाउंड ए है और बी है दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो C3H8 है, C3H8 ए की भी C3H8 बी की भी C3H8, बट कुछ तो डिफर कर रहा होगा ना भाई, कुछ तो डिफर कर रहा होगा, बस वो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट होंगे तो उनको हम वो दोनों को एक दूसरे के क्या बोलेंगे हम आइसोमर, और ये फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके जो कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हाँ आइसोमर्स के दो टाइप होते सॉरी एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करेगी, जैसे शायद जो पढ़ चुका है उनको पता होगा सी स्ट्रैंड्स बोलते हैं डेक्स्ट्रोली वो बोलते हैं हम, तो उन्हें हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है तो आइसोमेरिज्म पे एक अलग लेक्चर हम लेके जाएंगे आगे, आज हमें टारगेट करना है IUPAC, टाइम बहुत हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा यहां से ही हम स्टार्ट कर IUPAC स्टार्ट करें उससे पहले डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बता देते हैं। ओके पहले इसको कंप्लीट कर ले चलो, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन नहीं जानते हो तो आप डिग्री भी नहीं बता पाओगे। सो अलग अलग वे में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है उसका लिविस स्ट्रक्चर, या कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप, लिविस स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कंडेंस्ड, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। थर्ड है पार्शियली कंडेंस्ड भी होता है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भाई पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और एक होता है बोन लाइन स्ट्रक्चर,
ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको बता सकते हैं क्या है, एक बार देख लेते हैं, जरूरी है आपके लिए। देखो यहां पे हम सारे बॉन्ड्स बताएंगे, ऑल बॉन्ड्स को हमें शो करना पड़ेगा, देन लोन पेयर को भी शो करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं अभी इसे बताऊं, CH3, CH2, OH। मैंने यहां सारे बॉन्ड्स बताए हैं, और जहां पे कार्बन के साथ दूसरी उसकी जो जस्ट फ्रेंड है वो है हाइड्रोजन। तो कार्बन के जस्ट फ्रेंड के साथ भी बॉन्ड्स बताने हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बताने हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बताना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी बताना है। साथ में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है, 16 ग्रुप से है, तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से दो बॉन्ड बना लिए, देखो एक और एक दो, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब दो लोन पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन भाई रूटीन में हम अगर ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे ना कि इथेनॉल से क्लोरोइथेन बनाना या इथेनॉल से आयोडो प्रोपेन बनाना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिखने में बहुत कन्वीनियंसी नहीं रहेगी, इसलिए हम दूसरा कुछ लेके आए, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, वहां हम कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी बता देते हैं, CH3, CH2, OH, कनेक्टिविटी बता देते हैं, सिर्फ कनेक्टिविटी। ओके, कोई बॉन्ड्स नहीं बताए, देखो कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट है, इस तरह से कनेक्टिविटी बता दी, तो हम उसे कंडेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कुछ बॉन्ड बताते हैं, जैसे कि CH3 फिर बॉन्ड बताया, CH2 फिर बॉन्ड बताया, OH, कुछ बॉन्ड और साथ में लोन पेयर भी बताएंगे। कुछ बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड बताया, लेकिन वो कार्बन जस्ट फ्रेंड वाला लोन है, ये बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हमने नहीं शो किया जैसे यहां किया था, तो इसे हम बोलेंगे पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर। ओके, और एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हम कार्बन चेन को zigzag फॉर्म में शो करते हैं इस तरह से, और फिर ऐसे बता देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यहां पे ही बता देना चाहिए ना, इथेनॉल ऐसे, तो ये कार्बन है और ये एक कार्बन है इथेनॉल, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब सारे बॉन्ड्स भी बताने हैं, लोन पेयर भी बताने हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर मतलब हमें सिर्फ कनेक्टिविटी बतानी है, बाकी कुछ नहीं। और पार्शियली कंडेंस में हम कुछ कुछ बॉन्ड बताते हैं, लेकिन ये सारे बॉन्ड नहीं बताते, और इधर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम zigzag फॉर्म में इसको कार्बन चेन को बता सकते हैं, जैसे कि इस तरह से है। तो कितने कार्बन है इसमें बताइए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका मैं अगर कंडेंस स्ट्रक्चर बताऊं तो इसे बताऊंगा CH3, CH2, 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 CH3। पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर बताऊं तो मैं इसे बताऊंगा CH3, फिर बॉन्ड बताएंगे हम CH2, CH2, CH2 एंड CH3। एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर बताना हो तो हम वो जस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड भी बताएंगे। इसकी कितनी जस्ट फ्रेंड होगी भाई, गर्लफ्रेंड कितनी होगी, कार्बन कितने रिलेशन रखता है, 4 रिलेशन रखता है। अब एक रिलेशन तो हो चुका है, बाकी के 3 रिलेशन आपको ऐसे बताने हैं। ओके, यहां पे 2 रिलेशन ऑलरेडी बता दिए, 2 रिलेशन और बताएंगे, इधर 2 रिलेशन और बताना पड़ेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, इधर 2 और इधर 3, क्योंकि इसने तो एक ही किया है ना। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये पार्शियली कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड है, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। होपफुली सब क्लियर होगा। तो जनरली रूटीन में हम ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं, जिससे मेरे को साइक्लोहेक्सेन को बताना है तो मैं जस्ट ऐसे ही शो कर दूंगा, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। ओके,
चलिए, तो हम जाने वाले थे अभी डिग्री ऑफ कार्बन की तरफ, टाइप्स ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन किसे बोलते हैं? तो कार्बन ने कितने मैरिज किए हैं कार्बन के साथ? हाँ, सुनना मेरी बात, है ना? नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं पर्टिकुलर कार्बन के, उसको हम डिग्री ऑफ कार्बन बोलेंगे। मतलब कार्बन ने कितने मैरिज किए। कार्बन कार्बन के साथ होगा तो मैरिज बोलेंगे हम, कार्बन हाइड्रोजन के साथ होगा तो वो जस्ट फ्रेंड बोलेंगे, जस्ट फ्रेंड। ओके, जैसे मैं यहां पे कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको इस तरह से, ठीक है, और मैं इसको कंप्लीट भी कर दूं हाइड्रोजन लगाकर, इसके तीन जस्ट फ्रेंड, इसके दो, इसका एक ही, क्योंकि तीन तीन तो मैरिज करके बैठा है, इसके दो, ये तो चार करके बैठा है, इसके तीन क्योंकि एक ही किया है, इसके भी तीन और इसके भी तीन, करेक्ट। अब कार्बन की डिग्री फाइंड करनी है हमें। चलो हम नंबर दे देते हैं यहां से कि भाई ए बी सी डी बोल देते हैं, अभी नंबर को जाने दो, ए बी सी डी ई एफ, इसको जी बोल दे, इसको एच बोल दे। चलो, तो ये ए वाले कार्बन कितने कार्बन कार्बन लिंकेज बनाए हैं, कार्बन ने कितने कार्बन कार्बन लिंकेज, मतलब मैरिज कितने किए हैं। तो आप बोलोगे सर ये ए वाले ने एक ही मैरिज किया है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? प्राइमरी। इस तरह से जब मैं लिख रहा हूं ना, उसका मतलब क्या है? प्राइमरी। ओके, चलो ये बी वाले ने कितने मैरिज किए? सर देखो, एक तो इस तरफ किया लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे, बाकी दो तो उसकी जस्ट फ्रेंड है ना। ओके, तो इसने दो मैरिज किए इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। इसी तरह इसने भी कितने किए हैं? दो, बाकी अरे सॉरी तीन किए इसने, तो वन टू एंड थ्री, तो ये तो टर्शरी हो गया, और यहां पे इसकी तीन जस्ट फ्रेंड बतानी रह गई। ओके, तो ये टर्शरी हो गया, इसने एक ही मैरिज किया है, बाकी तीन तो जस्ट फ्रेंड है, तो ये प्राइमरी हो गया। इसने दो मैरिज किए तो सेकेंडरी हो गया। इसने चार मैरिज किए, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया और इधर भी किया, तो ये क्वार्टरनरी हो गया। ओके, बाकी इसने एक ही किया है तो ये प्राइमरी, जी वाला, एफ वाला भी प्राइमरी और एच वाला भी प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी किसे बोलते हैं? टू डिग्री, सेकेंडरी बोलेंगे हम। थ्री डिग्री को हम टर्शियरी बोलेंगे एंड फोर डिग्री को क्वार्टरनरी बोलेंगे, ठीक है। चलो, यहां पे प्राइमरी कार्बन कितने दिख रहे हैं बताइए फास्ट। सर ये एक हो गया प्राइमरी, ये दूसरा हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, वन टू थ्री फोर फाइव, देर आर फाइव प्राइमरी कार्बन, है ना? फाइव कार्बन प्राइमरी है। सेकेंडरी कितने हैं? सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? देर आर टू कार्बन विच आर सेकेंडरी कार्बन, देन टर्शरी कितने हैं? तीन मैरिज किए, ऐसा ये वाला दिख रहा है, देखो। ओके, तो ये हो गया टर्शरी वाला एक कार्बन, एंड क्वार्टरनरी कितने हैं? एक, वो भी एक है। देखो, कार्बन पांच, दो सात, एक आठ और एक नौ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, क्लियर है?
तो आपको कोई पूछे कि भाई ये स्ट्रक्चर तो दिया है हमें, उसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो देर आर 5 प्राइमरी कार्बन्स, 5 कार्बन ऐसे है जिसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, बाकी 2 कार्बन सेकेंडरी है, 1 टर्शरी है और 1 क्वार्टरनरी है। क्लियर है? प्राइमरी कार्बन की जस्ट फ्रेंड को हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी कार्बन की जस्ट फ्रेंड कितनी है, 1, 2, 3 है ना, एक प्राइमरी वाले की 3 होती है, तो 5 की 15 हाइड्रोजन होंगे। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 15 हाइड्रोजन प्राइमरी होंगे। ओके, सेकेंडरी वाले ने 2 मैरिज किए तो 2 जस्ट फ्रेंड दिख रही है आपको, सेकेंडरी वाले की 2 जस्ट फ्रेंड होती है, तो ये 2 जस्ट फ्रेंड और ये 2 जस्ट फ्रेंड कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन सेकेंडरी है। टर्शरी वाले की जस्ट फ्रेंड ये रही, एक ही है, एक टर्शरी है, और क्वार्टरनरी ने तो 4 मैरिज कर लिए, उसकी कोई जस्ट फ्रेंड नहीं होगी। ओके, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। चलो, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये क्या होता है, क्योंकि आप यही चैप्टर पढ़ने वाले हो ना, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो सिंपल है, ये जो OH है ना वो भी जस्ट फ्रेंड है, स्पेशल जस्ट फ्रेंड है ना, सबसे सबसे क्लोज वाली जस्ट फ्रेंड, उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। जैसे मेरे को ये दिया है कंपाउंड और यहाँ पे OH है, दूसरा कंपाउंड ये दिया है, इधर OH है और तीसरा कंपाउंड इसको कुछ इस तरह से दिया है, आप देखोगे यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन है ना, हिंदुस्तानी जस्ट फ्रेंड। अब सबसे स्पेशल जस्ट फ्रेंड है ना, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये स्पेशल जस्ट फ्रेंड अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, OH जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये वाली जस्ट फ्रेंड जो कार्बन के साथ है वो स्पेशल हो गया, और ये कार्बन ने दूसरे कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, प्राइमरी अल्कोहल, मतलब डेफिनेशन क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन अगर प्राइमरी है तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ने एक ही कार्बन के साथ लिंकेज बनाया है, बाकी 2 तो उसकी जस्ट फ्रेंड है, इसे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे हम। ओके, यहां पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ने 2 लिंकेजेस बनाए हैं, तो इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, करेक्ट। और यहां पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ने 3 लिंकेजेस बनाए हैं, 1, 2 एंड 3, बाकी तो हिंदुस्तानी गर्लफ्रेंड है उसकी, ये कार्बन की, यहां पे भी ऐसे लगा देते हैं। तो इसे हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। ओके, तो OH वाले कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है एडिशनल, वो देखना है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं। सेम वे आप इधर भी कर सकते हो, यहां पे भी इस तरह से हेलोजन अगर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, इसको ऐसा पूरा सर्कल कर देना, वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी, देखो ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन बाकी 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो सेकेंडरी एंड हेलोजन कंटेनिंग कार्बन बाकी 3 के साथ अटैच्ड है, तो टर्शरी बोलेंगे। क्लियर है? सो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है या डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या है,
ये क्लियर होगा। अभी हमको देखना है डिग्री ऑफ अमाइन, ये थोड़ा ध्यान से रखना है ना, क्या बोलेंगे डेंजर, रेड कलर से लिख दे यहां, ऐसे ऐसे कर दे है ना, वो फॉर डेंजर ऐसे, यहां थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा। इधर कार्बन की डिग्री पे से नहीं डिसाइड करोगे, बट कहां से डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली, उसको डिग्री बोलेंगे हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लूं, मैंने ये वाला लिया, ये लिया, या ये एग्जांपल लिया मैंने। अब यही चीज अगर अल्कोहल होती तो इसे प्राइमरी अल्कोहल बोलते, इसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलते, इसे टर्शियरी अल्कोहल बोलते है ना, अगर OH होता तो। बट अमाइन में ऐसा नहीं होता, जिसमें भी अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोजन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं वो देखना है। तो नाइट्रोजन ने एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। ओके, बाकी दो तो वो है कौन, हिंदुस्तानी जस्ट फ्रेंड। यहां पे भी नाइट्रोजन ने सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन का देखना है भैया हमें, किसका देखना है नाइट्रोजन। तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी ही बोलेंगे। और यहां पे भी नाइट्रोजन ने सिर्फ एक ही के साथ बनाया तो ये सब के सब क्या है, प्राइमरी अमाइन ही है। ये भी क्या है, प्राइमरी अमाइन ही है। तो ये तीनों तीन प्राइमरी अमाइन है, तो फिर सेकेंडरी अमाइन किसको बोलेंगे सर, भाई सेकेंडरी अमाइन हम बोलेंगे इधर एग्जांपल ले लेते हैं एन एच, उसके साथ इधर दे दिया मैंने CH3। खुद नाइट्रोजन ने दो कार्बन के साथ लिंकेज बनाए हैं तो उसे सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे हम। ओके, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन एन मिथाइल मिथेनामाइन, वो नोमेनक्लेचर आगे सीखते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अगर तीन के साथ लिंकेजेस बनाए हैं इस तरह से, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, तो इसे टर्शियरी अमाइन बोलेंगे, करेक्ट। तो नाइट्रोजन के लिंकेजेस देखने हैं कार्बन के साथ, नाइट्रोजन एक के साथ है तो प्राइमरी, दो के साथ है तो सेकेंडरी, तीन के साथ है तो टर्शियरी। होपफुली ये सब क्लियर होगा। हम इतनी स्लो क्यों जा रहे हैं, जिसने 11th स्टैंडर्ड पढ़ लिया एक बार फिर बता दे आपको, आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखनी है, फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो क्विक रिविजन मिल जाएगा, यू विल एंजॉय इट। बट जो 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, जो 10th से 11th में अभी जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और उनको ये रेगुलर स्पीड में देखने में मजा आएगा, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन्स किसे बोलते हैं, तो जैसे मैंने आगे बता ही दिया है, हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और हाइड्रो इसलिए लगाया है कि कार्बन की मोस्ट कॉमन जस्ट फ्रेंड, मोस्ट कॉमन जस्ट फ्रेंड कौन होता है भाई, हिंदुस्तानी जस्ट फ्रेंड, दैट इज हाइड्रोजन, 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 तो इसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम RH से बताते हैं, RH इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रो
खरभंज, क्लियर है? तो अल्केन भी होते हैं, अल्कीन होते हैं, अल्काइन होता है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बेंजेनोइड्स इसको बोलेंगे। तो ये सब हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ना है या पढ़ लिया है आपने 11th स्टैंडर्ड वालों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कार्बन हाइड्रोजन के टाइप्स देख लिए हमने। अभी कुछ पोजीशन बता देते हैं, उसके बाद हम आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर स्टार्ट करेंगे। जेमिनल एंड विसिनल पोजीशन किसको बोलते हैं? देखो मैं यहाँ पे इस तरह से दो कार्बन बता दिए मैंने, और इधर भी मैंने दो कार्बन बता दिए। अब हम बोले ये कैलिफोर्निया वाली या बर्मा वाली, बर्मा वाली जस्ट फ्रेंड, बर्मा वाली जस्ट फ्रेंड दोनों सेम कार्बन पे है, सेम कार्बन पे है तो उसे जेमिनल बोलते हैं। सेम जेम याद रहेगा, जेम से सेम याद रहेगा। इफ बोथ द फंक्शनल ग्रुप आर ऑन सेम कार्बन एटम तो उसे जेमिनल बोलते हैं। ओके, एंड एक बर्मा वाली जस्ट फ्रेंड इधर है, दूसरी बर्मा वाली जस्ट फ्रेंड एडजेसेंट कार्बन पे है, एक छगन के पास है एक मगन के पास है, तो उसे विसिनल बोलेंगे। दोनों छगन के पास हो या दोनों मगन के पास हो तो जेमिनल, एक छगन के पास है एक मगन के पास है तो विसिनल बोलेंगे। इज इट क्लियर? अभी जब जेमिनल वर्ड यूज करेंगे हम 12th में, जेमिनल डायहेलाइड विसिनल, तो आपको क्लियर होगा ना। ये बोर्ड में भी 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है कि जेमिनल क्या होते हैं, विसिनल क्या होते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, बाकी तो हाइड्रोजन लगा देने हैं। यहाँ पे 3 हिंदुस्तानी, यहाँ पे 2 हिंदुस्तानी, यहाँ पे 2 हिंदुस्तानी, यहाँ 2 हिंदुस्तानी जस्ट फ्रेंड। तो होपफुली जेमिनल विसिनल आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेंगे। जेम सेम, सेम जेम, सेम जेम, बोलो तो मेरे साथ सेम जेम, सेम जेम, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हम, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अब, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसीलिए तो वीडियो बनाई हमने, बट बाकी आगे का सब बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जिसको भी ये टॉपिक ऐसा लग रहा है कि भाई सर पढ़ ही लिया है हमने, आप क्यों इतना ज्यादा खींच रहे हो, तो वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, मजा आएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका 11th स्टैंडर्ड कुछ भी रीजन की वजह से थोड़ा वीक रह गया है। ओके, या तो जो बच्चे अभी 10th में है और 11th में एडमिशन लेने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के बाद। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर से, है ना। यहां हम कुछ भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अच्छे अल्फाजों में लिखना पड़ेगा। हाँ, एश मिस ऐश्वर्या राय, अभी मिस नहीं रही, एनीवे मैंने ऐसा लिखा है मिस ऐश्वर्या राय। व्हाट इट मींस, इसमें हमें 3 चीजें दिख रही है। एक तो ये है इसका वर्ड रूट, जो उसका मेन नाम है, जो नाम है वो ये है ऐश्वर्या। ओके, और नाम के पीछे भी कुछ लगा है, नाम के आगे भी कुछ लगा है। जो नाम के आगे लगा है इसे हम बोल देंगे प्रीफिक्स, और ऐश्वर्या के पीछे भी कुछ लगा है भाई राय, इसे हम बोल देंगे सफिक्स। एक होता है वर्ड रूट, जो उसका खुद का नाम है, उसके पीछे भी कुछ है उसके आगे भी कुछ है ना, उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, तो यही सीक्वेंस में लिखोगे ना आप, क्या इसको ऐसा करोगे राय मिस ऐश्वर्या, राय मिस ऐश्वर्या, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, ऐश्वर्या मिस राय, ऐश्वर्या मिस राय, अजीब लगता है ना आपको। तो वैसे ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी हमें सीक्वेंस यही फॉलो करना हो। अब आगे पीछे कर दोगे फिर बोलोगे सर सेम ही है ना चलता है, तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। ओके, क्या सीक्वेंस रखना होगा, प्रीफिक्स पहले ही रखना है, प्रीफिक्स का मतलब ये था है जो वर्ड के मेन वर्ड रूट के आगे आएगा, सफिक्स बाद में लिखना है। ओके,
राय ऐश्वर्या, मिस मिस राय ऐश्वर्या, इसे सब हम नहीं बोल सकते। ओके चलिए भाई, टाइम क्या हुआ है, ये मेरी घड़ी तो 6 बजा रही है अभी। यस देख लेते हैं, अभी ये सफिक्स भी जो होते हैं ना, ये प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, हम दो टाइप के लेंगे। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी हम दो टाइप के लेंगे, एक होगा प्राइमरी सफिक्स, एक होगा सेकेंडरी सफिक्स। ओके और वर्ड रूट हमें लगाना है, ये जो वर्ड रूट लगाना है ना, वो हमें नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे लगाना है। अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन में है ना, यहां पे लिख देते हम नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, वही तो हमें सीखना है ना, वही गड़बड़ी हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम वही सीखने जा रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अगर पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं या पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है, ये सिलेक्शन करना आ गया हमें, तो फिर आसानी से आप नोमेंक्लेचर कंप्लीट कर लोगे। ओके तो अगर कार्बन चेन में एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट लगाएंगे हम मिथ। मिथ क्या लगाएंगे भाई, मिथ। दो कार्बन है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेग्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, अनडेक, डोडेक। ओके इस तरह से लगाते हैं हम। तो यही चीज हमने यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में भी रखी है कि आपको सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ओके इसका एक एग्जाम्पल दे देते हम तो आपको समझ आएगा। जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है उनके लिए है, बाकी तो अभी सीख जाओगे आप। इस तरह से कुछ कंपाउंड है, तो जिन्होंने IUPAC ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया उनको पता होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अभी ये है। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, करेक्ट। तो पहले वर्ड रूट क्या होगा, देर आर 6 कार्बन इन कार्बन चेन, तो हमें वर्ड रूट लगाना पड़ेगा हेग्स। क्या वर्ड रूट लगाएंगे, हेग्स। अच्छा सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां एक काम करते हैं हम, यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड, है ना। तो सिंगल बॉन्ड है तो फिर एन लगाना है, एक भी डबल बॉन्ड मिल जाए तो इन लगाते हैं। तो अभी प्राइमरी सफिक्स हमने लगा दिया, 2 नंबर पे इन है, ई एन ई होता है वैसे तो, लेकिन जब सेकेंडरी सफिक्स आएगा तो ये वाला ई हटा देना है आपको। ओके तो हेग्स 2 इन, और अब आपको सेकेंडरी सफिक्स लगाना है जो के जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है ये अभी अपकमिंग स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा। जैसे अल्कोहल है तो उसके लिए ऑल लगेगा, अल्कोहल के लिए क्या लगेगा, ऑल। तो ये वाला ई हम यहां से हटा देंगे और लगाएंगे, पहले तो लिख देते हैं, चलो 1 नंबर पे ऑल है ना, तो मैंने 1 ऑल लगा दिया है इसे। अच्छा सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी। तो साइकिल बन रही हो तो साइक्लो लगाते हैं, स्पाइरल रिंग हो तो स्पाइरो लगाते हैं, दो साइकिल बन रही हो तो बाईसाइक्लो लगाते हैं। ओके तो फिलहाल एक साइकिल बन रही है तो यहां पे लगा देंगे हम साइक्लो। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए लगता है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, अभी ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसके अलावा जो भी दिखे वो सब सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 3 नंबर पे आपको ब्रोमो नाम का सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो 3 ब्रोमो। ओके तो ये मैं जस्ट आपको क्या बता रहा हूं भाई, सिक्वेंस जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड पढ़ लिया है उनके लिए था ये, जो 10th में है वो ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि आपको ये कैसे करना वो पढ़ाया जाएगा अभी अपकमिंग कुछ मिनट्स में हम देखने वाले हैं।
तो इसका पूरा नाम क्या हो गया भाई, बोलो। चलो 3-bromo, कैपिटल बी लिखेंगे, 3-bromo, फिर हमने लिखा साइक्लो, बाद में हमने लिखा हेक्स, बाद में हम लिखेंगे डैश करके 2 नंबर पे इन, ये वाला ई हटा देंगे हम, ठीक है, लास्ट में ई आता है वो, और लास्ट में हम लिख देंगे 1-ol. तो 3-bromocyclohex-2-in-1-ol, 3-bromocyclohex-2-in-1-ol, 3-bromocyclohex-2-in-1-ol. चलो बच्चों, इसमें वर्ड रूट क्या है, मेन हमारा वर्ड रूट जो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग लगाया, हेग्स, हेग्स वर्ड रूट है हमारा। हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन, इन, एन, आइन, इन आइन, ये कुछ भी हो सकता है, उसमें से अभी क्या दिख रहा है, इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वन ऑल। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो, 3-bromo. ओके, तो यही सीक्वेंस यूज करना है। अभी कोई आगे पीछे करेगा कि सर साइक्लो ब्रोमो हेक्स, तो नहीं चलेगा भाई। जैसा मैंने बताया ना, ऐश्वर्या मिस राय, राय मिस ऐश्वर्या, वैसा कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा। वैसे ही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC ने कुछ रूल्स बाहर हम बोल सकते हैं बताए हैं लोगों को। क्यों बताए हैं, क्योंकि लोग झगड़ा कर रहे थे। किसी ने 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बना दिया, उसका नाम किसी ने छगन रख दिया, किसी ने गांधी रख दिया और किसी ने डैनियल रख दिया। तो अलग अलग कंट्री वाले अपने हिसाब से नाम देंगे ना, तो फिर कम्युनिकेशन जो है वर्ल्ड वाइड वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और कम्युनिकेशन हमारा स्मूथ बनाने के लिए एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने बताया कि भाई कोई भी कंट्री में ले रहा हो, छगन हो, मगन हो, डैनियल हो या फिर कोई और, सबको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमिनिक्लेचर करना है तो रूल्स कौन से फॉलो करने होंगे जो हमने बताए हैं। और ये रूल्स टाइम बाय टाइम अपडेट भी करते रहते हैं वो लोग, है ना, कुछ एडिशनल ऐड करना है तो वो अपडेट रूल्स को कर देते हैं। तो हम लेटेस्ट जो अपडेटेड रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अभी नॉमिनिक्लेचर ट्राई करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये जो मैंने बताया आपको वर्ड रूट क्या लेना है, वर्ड रूट हमें लेना होगा मेथ इथ, आई थिंक विजिबल है ये, थोड़ा लाइट है, हो सकता है विजिबल ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर पेरेंट कार्बन चेन में एक ही कार्बन है तो मिथ, इफ देर आर 2 कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन देन इथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन एंड 10 हो तो डेक। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद का रूल, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा। अगर आपको पेरेंट कार्बन चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो हम लगाएंगे एन। क्या सफिक्स लगाएंगे भाई? एन। सारे सिंगल बॉन्ड हो तो ही एन लगाना है। ओके, आपको 10 सिंगल बॉन्ड दिखे लेकिन एक डबल बॉन्ड दिख जाए ना तो फिर इन लगाना होगा। ओके, कब हम लगाएंगे? एटलीस्ट 1 double bond, एक भी डबल बॉन्ड हो जाए तो फिर हमें एन नहीं लगाना है, इन लगाना है। यहां पे लिखेंगे हम एटलीस्ट 1 triple bond हो तो हमें आइन लगाना है। क्या लगाना है भाई? आइन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो फिर इन आइन लगाएंगे, इस तरह से, है ना। ओके, तो हम क्या लगाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, हम वर्ड रूट लिखेंगे पेंट। वर्ड रूट क्या लिखेंगे? पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। ओके, अब यहां डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है,
तो इन लगाएंगे क्या इन लगाएंगे, तो लिखेंगे पेंट वन इन, वन इन फोर आइन, के वन नंबर पे इन है फोर नंबर पे आइन है। अब कोई बोलेगा सर वन और टू के बीच में तो आपने टू क्यों नहीं लिखा, भाई मिनिमम वाला नंबर लिखना होता है आपका एग्जाम में, कौन सा नंबर आए तो आपको अच्छा लगेगा वन या टू, तो आप बोलोगे वन, तो हमें वन लिखना है लोवेस्ट। यहाँ पे फोर और फाइव के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप फोर यूज करोगे फोर। ओके पेंट वन इन फोर आइन, पेंट वन इन फोर आइन, इज इट क्लियर। बाकी हाइड्रोजन है हम लगा देते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई करने, चार हो चुकी है इसकी, यहाँ पे एक लगा देते हैं। ओके तो जब डबल एंड ट्रिपल दोनों हो तो हम इन आइन भी लगा सकते हैं। होपफुली आपका सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स क्लियर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसा मैंने बताया प्राइमरी प्रीफिक्स हम क्या लगाते हैं, साइक्लो या तो फिर बाईसाइक्लो या तो फिर स्पाइरो, इस तरह से लगाते हैं। अगर कहीं पे इस तरह से साइकिल बन रही हो तो हम लगाएंगे साइक्लो, कहीं पे इसे दो साइकिल बन रही है तो इसे बाईसाइक्लो लगाते हैं, और कहीं पे इस तरह से आपको स्पाइरल रिंग दे चुकी, तो इसके लिए हम स्पाइरो लगाते हैं, ठीक है। तो जब साइकिल बन रही हो, एक रिंग बन रही हो तो साइक्लो लगाते हैं, दो रिंग बन रही हो पास पास में तो बाईसाइक्लो लगाते हैं, और इस तरह से स्पाइरल हो तो स्पाइरो लगाते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, इज इट क्लियर। अब सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले, आपको समझ आया या नहीं। चलिए तो हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन रीड करने हैं, यहां ऐड कर सकते हैं। चलिए आपको नोमेनक्लेचर करना है फास्ट, क्या कहेंगे इसको हम, CH3 CH2 CH2 CH3, पहले वर्ड रूट क्या रखोगे फास्ट बताइए, देर आर फोर कार्बन, वर्ड रूट ब्यूट रखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी से फिक्स क्या रखोगे N, तो इसका नाम क्या हो गया भाई ब्यूटेन, क्या होगा इसका नाम ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट ले लेते हम, इस तरह से कुछ दिया है या तो फिर ऐसे लिखा है CH2 CH2 CH2, क्या लिखेंगे इसे? सबसे पहले कार्बन गिन लो आप कितने, वन टू थ्री, तो हम बोलेंगे वर्ड रूट प्रोप, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे आप एन, तो ये प्रोपेन हो गया। अब देखो ये ब्यूटेन है ये प्रोपेन है, यहाँ ऐसी साइकिल नहीं बन रही है ना, चेन है, यहाँ साइकिल बन रही है, रिंग बन रही है, तो हम आगे लगा देंगे साइक्लो, तो साइक्लो प्रोपेन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इज इट क्लियर। साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन नहीं है, ये क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन क्योंकि यहां इस तरह से रिंग फॉर्म नहीं हो रही है, क्लियर है। चलिए एक और ले लेते हैं, डबल बॉन्ड के बारे में हमने जाना, CH3 CH CH2, चलो वर्ड रूट क्या आएगा बताइए, थ्री कार्बन मींस प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है नहीं सर, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है तो फिर हमें इन लगाना चाहिए, तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपिन, क्या हो जाएगा भाई प्रोपिन। ओके चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम,
हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन पेरेंट कार्बन चेन, तो बोलेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वर्ड रूट तो आ जाएगा हेग्स। वर्ड रूट क्या आ जाएगा भाई? हेग्स। और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे थे लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं हम, हेक्साइन। साइकिल जैसा कुछ बन नहीं रहा, ओके तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, ओनली सेकेंडरी, सॉरी क्या बोलेंगे, प्राइमरी सफिक्स लगा दिया हमने। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और फिर हिंदुस्तानी, जस्ट फ्रेंड, इसकी दो, इसकी दो, इसकी एक और इसकी एक, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, करेक्ट? तो कितने कार्बन है? देर आर 4 कार्बन, मतलब वर्ड रूट क्या होगा भाई? ब्यूट। वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड 3 दिख रहे लेकिन एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो फिर इन लगा देते हैं, तो ये तो ब्यूटीन हो गया, और साइकिल भी बन रही है तो फिर हमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी लगाना पड़ेगा, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं, ठीक है, और आगे लगा देते हैं साइक्लो। तो साइक्लोब्यूटीन, क्या नेम हो जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटीन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इधर ये ले लिया हमने, इधर ये ले लिया, नंबरिंग हम दे देते हैं। अभी आपने नंबरिंग सीखा नहीं है इसलिए मैंने नंबर अपनी ओर से दे दिए। हिंदुस्तानी गर्लफ्रेंड कितनी आएगी बताइए? सर इसकी हिंदुस्तानी 2 आएगी, इसकी हिंदुस्तानी 1, इसकी हिंदुस्तानी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी नहीं आएगी, 4 मैरिज करके बैठा है, और इसकी 1। चलो वर्ड रूट क्या आएगा? इफ देर आर 8 कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, वर्ड रूट वुड बी ऑक्ट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? ना, डबल भी दिख रहा है, ट्रिपल भी दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? पहले इन, 1 इन, ऑक्ट 1 इन, और कौन से नंबर पे आइन है? 7 आइन, ओके, ऑक्ट 1 इन 7 आइन, ये नेम हो जाएगा। तो होपफुली आपको प्राइमरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम हमारी जर्नी को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ओके चलिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लगाना है और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए लगाना है, तो उसके लिए हमें एक जुगाड़ पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, आप बोलोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, वही नहीं पता हमें। तो भाई जो रेलवे, जो हम बोलते हैं ट्रेन होती है ना, ट्रेन, वो ट्रेन में जो आप ट्रेन के डब्बे रहते हैं उसके आगे एक मेन हेड रहता है, इंजन जिसे बोलते हैं। इंजन जिस तरफ जाएगा, इंजन अहमदाबाद की ओर जाएगा तो पूरी ट्रेन अहमदाबाद की ओर जाएगी, लेकिन इंजन सूरत की ओर जाएगा तो पूरी ट्रेन सूरत की ओर जाएगी, है ना। मतलब कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन, किसके साथ रिएक्शन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? इंजन। तो वैसे ही हम जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उसमें किसके साथ रिएक्ट करना, किसके साथ नहीं करना, ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिसाइड करता है ना, उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप। चलो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एक ऐसी ट्रेन है जिसमें फ्रंट में भी इंजन है और बैक साइड भी इंजन है, सूरत की साइड भी इंजन है और अहमदाबाद की साइड भी इंजन है, क्या होगा? अब ट्रेन किस तरफ जाएगी, सूरत की साइड जाएगी या अहमदाबाद की तरफ?
आप बोलोगे सर ये कैसे पता करे, ये तो हमें पावर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? पावर। मान लो कि सूरत साइड जो इंजन है उसका पावर 100 यूनिट है। कितना यूनिट है? 100 यूनिट। और जो अहमदाबाद साइड इंजन है उसका पावर 30 यूनिट है। अब बताओ दोनों इंजन अपनी अपनी ओर से फोर्स लगाएंगे कि भाई हमें बढ़ना है, तो ट्रेन किस तरफ जाएगी? जिसका पावर क्या है? ज्यादा है। पावर किसका ज्यादा है? हमने बोला सर सूरत की ओर 100 पावर, अहमदाबाद की ओर 30 पावर लग रहा है, तो जो ज्यादा पावर किस तरफ, पावरफुल कौन है? सूरत वाला। तो पूरी ट्रेन किस तरफ जाएगी? सूरत की तरफ। तो हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब किसी कार्बन चेन में इस तरह से दो फंक्शनल ग्रुप हो, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो फिर हम प्रॉपर्टीज किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग? मतलब वही फंडा, ट्रेन किस तरफ जाएगी। तो हम बोलेंगे सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा, इसका पावर ज्यादा है, इसको हम पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? तो उस टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये डब्बे की तरह ही बिहेव करेगा, भले ही वो इंजन है भाई, इंजन है फिर भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये डब्बे की तरह ही बिहेव करेगा। मैंने बोला ना सूरत वाला जो इंजन है वो ज्यादा पावरफुल है, और भले ही अहमदाबाद साइड भी इंजन है, लेकिन पूरी ट्रेन इंक्लूडिंग अहमदाबाद वाला जो इंजन है वो भी किसकी तरफ जाएगा? सूरत की तरफ। तो सेम वे हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ओके, अब आप बोलोगे सर आप कैसे डिसाइड करते हो कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और कौन सब्स्टिट्यूएंट? आपने यहां तो बोला ही नहीं था इसका पावर 100 है, इसका पावर 30 है, तो हमें समझ आ जाता। तो हमें याद कैसे रखना है कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन नहीं है? तो उसके लिए हमारा जुगाड़ सुन लो अभी एक बार। देखो हम ऐसा लिखते हैं, कास एन ई ए सी अमाइड सनीन एन सी एल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोलामाइन। यहां पे हमने लिख दिया कास एन ई ए सी अमाइड सनी नैन्सी अल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोलामाइन। ये जुगाड़ याद रखना है। चलो दो बार बोल लो आप मेरे साथ, कास एनी एसी अमाइड सनी नैन्सी अल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोलामाइन, कास एनी एसी अमाइड सनी नैन्सी अल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोलामाइन। बोलो अपनी जगह पे बैठ के बोलना है। चलो फास्ट, कास एनी एसी अमाइड सनीन एनसी एल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोलामाइन, कास एनी एसी अमाइड सनीन एनसी एल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोलामाइन। ये जो दिया है ना वो का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है आपको। कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड, ए से सल्फोनिक एसिड लेना है आपको, एनहाइड्राइड लेना है आपको, एनहाइड्राइड। ओके, ईस्टर लेना है आपको, ईस्टर, एसिड क्लोराइड लेना है आपको, एसिड हैलाइड या क्लोराइड जो बोलो आप, ठीक है। अमाइड, अमाइड इसको बोलते हैं, सीओ एन एच टू को बोलते हैं, ठीक है। सनी मतलब नाइट्राइल या साइनाइड जो बोलते हो आप, नैन्सी मतलब आइसो नाइट्राइल या आइसो साइनाइड लेना है। ओके, अल्डिहाइड मतलब जानते ही होंगे आप क्या लेना है, सी एच ओ आर के साथ ज्वाइन है, यहां तो हमने बता ही दिया यार, यहां पे कार्बन आर के साथ ज्वाइन होगा या नाइट्रोजन। कास एनी एसी अमाइड सनी नैन्सी अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन कीटोन ये वाला ग्रुप होगा, ऑल, ऑल मतलब अल्कोहल होगा, थायोल, थायोल मतलब एस एच होगा ना, थायोल, एंड लास्टली अमाइन एन एच टू होगा,
So these are our principal functional group, cas NaCl-amide, sunin NaCl-aldehyde ketone, all thiolamine. Is it clear? अच्छा, ये sequence याद रखना क्यों जरूरी है? हाँ भैया, powerful सबसे ज्यादा कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन ईस्टर, देन एसिड क्लोराइड, देन अमाइड, देन सन्नी मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन थायोल, देन अमाइन. तो पावरफुल एंजाइम कौन सा है भाई? सबसे पावरफुल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए ये सीक्वेंस याद रखना है. होपफुली क्लियर होगा. कास NaCl-amide, सनिन NaCl-aldehyde कीटोन, ऑल थायोल अमाइन. बोलो मेरे साथ, कास NaCl-amide, सनिन NaCl-aldehyde कीटोन, ऑल थायोल अमाइन. कास NaCl-amide, सनिन NaCl-aldehyde कीटोन, ऑल थायोल अमाइन. हो गया रेडी? चलिए, तो अब ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इनके लिए सफिक्स क्या लगेंगे? तो पहले वाले के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड. सफिक्स क्या लगाते हैं भाई? ओइक एसिड. इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? सल्फोनिक एसिड, है ना. इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड. इसके लिए ओएट लगाते हैं. ईस्टर के लिए क्या लगाते हैं? ओएट. एसिड क्लोराइड के लिए हम ओइल क्लोराइड. एसिड क्लोराइड के लिए ओइल क्लोराइड. अमाइड के लिए हम अमाइड ही लगाते हैं. इसके लिए हम नाइट्राइल लगाते हैं. इसके लिए हम आइसो नाइट्राइल लगाते हैं. अल्डिहाइड के लिए हम ऑल लगाते हैं, ऑल. कीटोन के लिए हम ऑन लगाते हैं सफिक्स. इसके लिए ऑल ही लगाते हैं. थायोल के लिए थायोल ही लगाते हैं. और अमाइन के लिए हम अमाइन ही लगाते हैं. ओके, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? बोलो प्राइमरी, अरे बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड. अगर SO3H है तो सल्फोनिक एसिड लगाएंगे. एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओएट है, ऑयल क्लोराइड है, अमाइड है, नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल है. अल्डिहाइड के लिए आल लगाते हैं. ध्यान से देखना, 10th स्टैंडर्ड वालों, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो खास इस पे ध्यान दे, जिस पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ध्यान दे, अल्डिहाइड पे ध्यान दे, कीटोन पे ध्यान दे, अल्कोहल पे ध्यान दे. ओके, ये चार आपको अच्छे से देखने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल. ये चार के बेस पे आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे नोमेनक्लेचर होंगे. तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, बाद में अल्डिहाइड को, बाद में कीटोन को, बाद में अल्कोहल को. इज इट क्लियर? बाकी पूरा याद रहे तो बेस्ट है. कास NaCl-amide, सनिन NaCl-aldehyde कीटोन, ऑल थायोल अमाइन. ओके, चलो आगे बढ़े बेटा. तो यहां पे ये रिटर्न भी लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है, सल्फोनिक एसिड ओइक एनहाइड्राइड, अल्काइल अल्केन ओएट, ओएट लगता है, अल्काइल तो लगा ही देंगे आगे, ऑयल क्लोराइड अमाइड, देन नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल आल ऑन ऑल, थायोल भी आएगा बीच में, अमाइन लिया है. क्लियर है? और ये तो कब लगाना है? जब वो प्राइमरी क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हो ना, तब. लेकिन बोले ट्रेन का डब्बा जो रहेगा या दो इंजन है तो पावरफुल इंजन तो एक ही होगा, तो इस तरह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा. बाकी जितने भी एक्स्ट्रा दिखे ना, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट. उसके लिए क्या लगेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स.
ओके तो अगर ओइक एसिड ना लगाना हो हमें तो सेकेंडरी क्या लगाएंगे हम? कार्बोक्सी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड अगर सफिक्स नहीं लगेगा तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? सल्फो। क्या लगेगा भाई? सल्फो। यहाँ पे अल्केनाइल अल्केनोइड तो अल्कोक्सी कार्बोनिल क्या लगाएंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पे हेलो कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बामोइल। ओके कार्बामोइल भी लगा सकते हो अमाइड के लिए, कार्बामोइल। नाइट्राइल के लिए साइनो प्रीफिक्स लगा सकते हो, आइसो नाइट्राइल के लिए आइसो साइनो लगा सकते हो, अल के लिए फॉर्माइल लगा सकते हो, कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो भी लगा सकते हो, कीटो या ऑक्सो। ऑल के लिए हाइड्रोक्सी लगाते हैं, ओएच के लिए क्या लगाते हैं हम? हाइड्रोक्सी। और अमाइन के लिए अमाइनो लगाते हैं। ओके सेकेंडरी प्रीफिक्स ये कुछ ऐसे बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप है जी, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकते उनके लिए ऑलवेज सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है। कौन से वाले है? हेलो, हेलो लगाते हैं। इथर है तो अल्कोक्सी लगाते हैं, ऑक्सी, मीथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, हेलो अल्कोक्सी, नाइट्रो। आर है तो हम अल्काइल लगाएंगे, ये भी ध्यान रखें कोई आर ग्रुप है इस तरह से, जैसे मिथाइल है या इथाइल है या प्रोपाइल है, तो इसके लिए हम मिथाइल लगाएंगे। एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, इस तरह से। क्लियर है? चलो तो हम अल्काइल लगाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं आर के लिए। यहां पे भी अल्काइल लिख देते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इस तरह से। देन पीएच है, पीएच, पीएच मतलब C6H5, तो हम इसके लिए फिनाइल लगाएंगे, फिनाइल। ओके फिर इस तरह से कोई कंपाउंड होता है तो हम उसके लिए डाईएजो लगाते हैं, डाईएजो, डाईएजो ऐसा भी लगाते हैं। देन इस तरह से कुछ होता है तो इपोक्सी लगाते हैं। ठीक है, तो वो सब हम बाद में देखते रहेंगे जैसे जैसे कंपाउंड्स आए, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स हेलो अल्कोक्सी इथर के लिए लगता है, नाइट्रो के लिए नाइट्रो लगता है। ओके ये बाद में देखते हैं हम, अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस जरूरी है भाई, सिर्फ रूल्स देख लेने से आ जाता तो सब लोग बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक ही पढ़ लेते ना, स्कूल नहीं आते पढ़ाई करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, चलो अब लास्ट में हम यहां लिख देते हैं हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसको लेना, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोगे। किसको दोगे भाई? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये आपका पेरेंट चेन में होना ही चाहिए। अगर ये पेरेंट चेन से बाहर है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा है ना वो आपके पेरेंट चेन के बाहर है तो वो नहीं चलेगा भाई। एंजिन कोई हम ना ले ट्रेन में, ये चलेगा क्या? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आपको मल्टीपल बॉन्ड्स,
उसके बाद आपको क्या प्रेफरेंस देना है, मल्टीपल्स बॉन्ड्स। नंबरिंग कैसे करना वो भी हम यहां से देख लेंगे। कार्बन चेन को नंबर दे रहे थे ना, वन कहां से स्टार्ट करना, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, इसमें कंफ्यूजन रहती है ना, वो भी यहां हेल्प आपको मिल जाएगी। मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद आप देख लोगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बाद आप देखना है मोर ब्रांच्ड। जो ज्यादा ब्रांच वाली चेन है उसको आप प्रेफरेंस दोगे। ओके अच्छा, ब्रांचिंग से भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपको देखना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। और उससे भी काम नहीं बने तो आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके ये ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप चेन सिलेक्ट करो या नंबरिंग कहां से देना है ये आपको सेट करना है। तो कैसे सेट करोगे भाई, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, वहां से जिधर आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख जाए उधर से आप स्टार्ट करो, नंबर देना भी उधर से स्टार्ट करो, और कार्बन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाना चाहिए। देन मल्टीपल बॉन्ड्स देखो, जो चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स होना वो वाली चेन आपको सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख बता दूं आपको, इस तरह से कुछ दिया है, और यहां पे मान लो ऐसा है COOH है और इधर है OH। तो वैसे चेन तो एक ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सर नंबरिंग कहां से करें। तो आप देखें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो ये भी प्रिंसिपल में आता है, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आता है। अब ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे आता है और अल्कोहल यहां पे है कहीं पे, ये रहा। तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि वो पावरफुल है। तो हम नंबरिंग यहां से देंगे, ये वन नंबर, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। इज इट क्लियर भाई, यहां तक क्लियर है सबको। नंबरिंग किधर से देना वो कंफ्यूजन थी, यहां मैंने एग्जांपल ऐसा दिया जहां आपको चेन सिलेक्ट करनी है। चेन तो अभी एक ही है, ये वाली चेन ही दिख रही है। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग यहां से इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड से दिया, राइट हैंड साइड से। तो हम बोलेंगे मेरे को कास एनी एसी अमाइड सनिन एनसी एल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोल अमाइन, ये वाला तो आ रहा है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से देंगे नंबरिंग। इज इट क्लियर, यस सर, ऐसा बोलना है आपको। चलिए तो अब हम वर्ड रूट लगा देंगे इसके लिए, कितने कार्बन हो गए, देयर आर एट कार्बन, वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्ट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो ऑक्टेन। अब सफिक्स किसका लगेगा भाई, प्राइमरी सफिक्स जो पावरफुल है उसका लगेगा, जो पावरफुल है उसका लगेगा, पावरफुल तो ये है। तो ओइक एसिड, ओइक एसिड, ऑक्टेन ओइक एसिड, ये हमारा नेम हो गया। लेकिन ओएच के लिए क्या लगाएंगे, तो सर ये अब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट मतलब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यह हो गया प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो क्या लगता है, सेकेंडरी फंक्शनल, मतलब क्या बोले, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, ऐसा बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स, वो लगा दिया हमने, सफिक्स तो लगा दिया ना। अब साइकिल तो बन नहीं रही है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा दो। OH के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी, कौन से नंबर पे है, 7, तो 7 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन ओइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 7 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन ओइक एसिड। इज इट क्लियर, एनी कंफ्यूजन, पक्का ना? चलिए, अब हमने बोला मल्टीपल बॉन्ड्स वाली चेन सिलेक्ट करनी है, मतलब क्या, देखो 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, अब सर यहां कंफ्यूजन ये है कि हमें नंबरिंग कहां से देना, चेन कौन सी सिलेक्ट करनी, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई दिख नहीं रहा हमें, दिख रहा है क्या आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा। अब उसके बाद कौन सा रूल लगाना है वो देखें, मल्टीपल बॉन्ड्स जहां दिखे वो और नंबर ऑफ कार्बन उसके बाद देख ले, तो मल्टीपल बॉन्ड्स तो यहां दिख रहे हैं, उसको प्रेफरेंस देना है, मतलब मैं 1 नंबर तो इसी को दे दूंगा, 1, 2, 3, 4 यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अब कैप्टन कौन बन जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इज इट क्लियर। चलिए, अब सर मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो यहां जाने से आपको मिलेगा 5, 6, 7, 7 कार्बन की चेन, और यहां जाने से मिलेगा 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन की चेन। तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, जो ट्रेन में ज्यादा डब्बे हो वो वाली ट्रेन आपको सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन किस तरफ ज्यादा दिख रहे हैं बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, यहां पे 8 है, इधर जाते तो 7 आता, तो ये वाली चेन सही रहेगी, तो वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्ट, 1 नंबर पे इन है तो 1 इन, ओके, और आगे क्या लगा, 1, 4 नंबर पे 1, 2, 3, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल लगा देते हैं, 4 प्रोपाइल ऑक्ट 1 इन, 4 प्रोपाइल ऑक्ट 1 इन। इज इट क्लियर, पक्का? चलिए, वेल डन। अब आप बोले सर मल्टीपल बॉन्ड इस तरह से हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको हटा देते हैं, यहां पे ये ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ले लेते हैं। अब यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस सर, इस तरह से कुछ आ गया तो क्या करेंगे हम, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? नहीं भाई, अगर आप ये जानते हो ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी आपको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना जान लो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? चलो देखते हैं, आप किधर भी जाओ 7 कार्बन ही हो रहे, कितने कार्बन हो रहे, 7 कार्बन। अब हमने तो बोला मल्टीपल बॉन्ड्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं दिख रहा, मतलब सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स वाली चेन ले लेनी है, तो सर यहां से स्टार्ट करूं या यहां से? तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो, यहां से स्टार्ट करने से भी 1 आ रहा है, यहां से स्टार्ट करने से भी 1 आ रहा है। भाई मैं ओरली बोल दूं चलेगा ना? जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो, तो फिर प्रेफरेंस हमें किसको देना है, डबल बॉन्ड को।
तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो, मतलब यहां से स्टार्ट करने से भी वन आ रहा है, यहां से स्टार्ट करने से भी वन आ रहा है, तब हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। ओके, तो 7 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेप्ट, वन नंबर पे ही ने वन इन, और 6 नंबर पे आई ने 6 आइन, हेप्ट हेप्ट, स्पेलिंग गलत लिखा, हेप्ट 1 इन 6 आइन। इज इट क्लियर? अब प्राइमरी प्रीफिक्स लगा देते हम, कितने कार्बन है यहाँ, ये 1, ये 2, ये 3, तो हम प्रोपाइल बोल देना 4 नंबर पे, 4 नंबर के कार्बन पे ये वाला ग्रुप है, 4 प्रोपाइल, अरे प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स ना, अल्काइल हमने बोला था, अल्काइल, तो ये वाला ग्रुप जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया अल्काइल, 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। इज इट क्लियर? तो कैसे यूज करने हैं रूल्स, आपको ये समझ आ गया होगा, ये प्रेफरेंस ध्यान रखना। ओके, अब ये वाला रूल ले लेते हैं, ज्यादा ब्रांच वाली चेन लेने वाला। चलो, मैंने यहां से देखा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें कौन सी चेन लेनी चाहिए? सर इधर से गिनो तो भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, इधर से इधर जाओ तो भी 7 आ रहा है, इधर से इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 कार्बन की चेन ही मिल रही है, आप क्या करें? तो आपको आपको मैं अगर पेड़ सिलेक्ट करने को दूं कि भाई ऐसा पेड़ ले लो जो हमेशा आपका हो जाएगा, उसमें जो भी फ्रूट्स लगते हैं वो आपके हैं, तो आप कौन से वाला पेड़ लोगे जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है या जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा है ना? तो ब्रांचिंग ज़्यादा हो वो वाली चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं ये वाली चेन अगर सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली, जस्ट अ सेकेंड, हम यहीं से इसको ऐसे कर देना, देखो ये वाली चेन में ब्रांच दिखी एक, अब इधर जाऊंगा तो ब्रांच नहीं है, लेकिन यहां नीचे आने से ब्रांच है, दिखा आपको ये ब्रांच यहां, तो ये जो येलो कलर की चेन है ना, इसमें ब्रांचिंग मेरे को ज्यादा दिख रही है। इज इट क्लियर? अब कहां से नंबर स्टार्ट करें वो भी एक बात है ना। सर नंबर कहां से स्टार्ट करूं मैं, यहां से या नीचे से? तो मैं अगर इधर से नंबर दे रहा हूं तो क्या नंबर आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह से आ रहा है, करेक्ट जा रहा है ना ऐसे। अब यहां से नंबर ब्रांच कहां कहां आ रही है, एक तो 3 नंबर पे आ रही है ब्रांच 3, एक 4 पे आ रही है और एक 5 पे आ रही है, 3 4 एंड 5 पे ब्रांचिंग हो रही है। और मैं अगर इधर से नंबर देता, सोचो एक आप हाइपोथेटिकली सोचो, यहां 1 है यहां 2 है, तो 3 पे आएगी 4 पे आएगी और 5 पे आएगी, सेम ही आ रहा है 1 2 3, हाँ कहीं से भी तो सेम ही आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, बिंदास रहो। चलो तो नेम क्या आ जाएगा इसका देख लेते हम, हेप्ट, वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट, ये जो येलो वाली पेरेंट चेन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दो, एन हेप्टेन। अब देखो आप ध्यान से,
तो थ्री नंबर पे मिथाइल है और फाइव नंबर पे मिथाइल है, यहाँ पे लिख देते थ्री कोमा फाइव, दो बार मिथाइल हो तो डाई मिथाइल, दो बार मिथाइल हो तो क्या लगा देंगे भाई, डाई मिथाइल, तीन बार मिथाइल हो तो ट्राई मिथाइल, चार बार हो तो टेट्रा मिथाइल, पांच बार हो तो पेंटा मिथाइल, ओके कर सकते हो आप। और ये वाला ग्रुप है फोर नंबर पे, क्या है वन टू थ्री प्रोपाइल, फोर नंबर पे प्रोपाइल, फोर कोमा नहीं लगाएंगे, फोर डैश प्रोपाइल। अब ये दोनों को लिखना है हमें यहां पे, तो पहले किसको लिखेंगे उसका भी रूल आपके पास है, देखो लोवेस्ट सेट तो अभी जाने ही देते, हमने देख लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको डाई ट्राई टेट्रा को ध्यान में नहीं लेना है, अगेन डाई ट्राई टेट्रा को ध्यान में नहीं लेना है, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल में ध्यान नहीं लेना है, यहां लिख देते हैं डाई ट्राई, इसको ध्यान में नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है, सेक टॉट, सेक टॉट को भी नहीं लेना है, इज इट क्लियर। इसको स्पेशल केस में लेंगे हम, कौन से वाले केस में, एक तो आईसो होगा, नियो होगा या ब्रैकेट होगा, है ना, जो हम बोलेंगे ब्रांच, अभी आगे उसकी प्रैक्टिस करने वाले, लेकिन हमें ड्राई डाई ट्राई को नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। एनीवे अभी आगे बढ़ते हैं, तो पहले क्या लिखोगे आप, ये नहीं देखना आपको, एम देखना है, एम, हाँ इसको नहीं देखना है, और यहाँ पे आप पी देखोगे, पी, तो पहले क्या आया, एम आया ना, पहले एम आया तो उसको रखो आप, इधर रख दो, चलो थ्री कोमा फाइव, थ्री कोमा फाइव डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, देन फोर प्रोपाइल, हेप्टेन, थ्री कोमा फाइव डाइमिथाइल फोर प्रोपाइल हेप्टेन। हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड किया, डी पे से नहीं देखा बट क्या देखा, एम और यहां पे पी, तो थ्री कोमा फाइव डाई मिथाइल फोर प्रोपाइल हेप्टेन, इज इट क्लियर, सारे रूल्स क्लियर हो रहे भाई आपको, पक्का हो रहे, चलो वेल डन। अब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी एक बार देख लेते हैं हम, ये तो बाकी रखते हैं, एलिस साइक्लिक लास्ट में, चलो सर इस तरह से कुछ हो तो क्या करें, कंफ्यूज हो जाएंगे हम, यहां पे सी ओ एच है, अभी हम थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, चलो सर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सब में सिक्स ही लग रहा है, अब क्या करें, तो नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो आप, सबसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही है, वन टू थ्री फोर, अब इधर जाए या इधर, तो हमने बोला था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रेफरेंस किसको देंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड्स को, तो यहां लिख देंगे फाइव और यहां लिख देंगे सिक्स, ओके चलिए, तो सिक्स हो गया, हम वर्ड रूट लिख देंगे हेग्स, फाइव नंबर पे इन है तो लिख देंगे फाइव इन, और ओइक एसिड है तो लिख देंगे ओइक एसिड,
हेग्स फाइनोइक एसिड। अब बात आती है सर, इथाइल भी है, ब्रोमो भी है, फ्लोरो भी है, कौन कौन से ग्रुप है? देखो आप सर, थ्री पे ब्रोमो है, तो हम जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे वो पहले ब्रोमो लगाएंगे, टू पे फ्लोरो है एंड फोर पे इथाइल है। तो यहां ये वाला जो रूल है ना आपको वो हेल्प करेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखना है भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले बी आएगा, तो हम पहले थ्री ब्रोमो लगा देंगे, थ्री ब्रोमो, उसके बाद ए बी सी डी। सॉरी एम आई ऑडिबल भाई? ये वायर तो ब्रेक नहीं हो गया ना? आवाज आ रही है? यस ओके, तो थ्री ब्रोमो लिख दिया। अब फ्लोरो लिखेंगे तो पहले इथाइल लिखना पड़ेगा, फोर इथाइल, और फिर लिखेंगे टू फ्लोरो। ओके, थ्री ब्रोमो, फोर इथाइल, टू फ्लोरो, हेग्स फाइनोइक एसिड। इज इट क्लियर? तो सारे रूल्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं, और मेन चीज़ है प्रैक्टिस। जिसने भी वीडियो देखी है वो अच्छे से प्रैक्टिस करे और फिर कवर होता जाएगा आपका। तो अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे ही रहे, यहाँ पे लगा दिया हमने COH, यहाँ पे लगा दिया दिस वन, इधर भी लगा दिया हमने, ये वाला ग्रुप है मान लो CHO है, और इधर लगा दिया हमने OH, और इधर लगा दिया हमने BR, और इधर लगा दिया हमने CL। ओके, तो एक ही चेन दिख रही है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है हमें। अब सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप कौन है? सर मेरे को पावरफुल यही दिख रहा है, इसको वन नंबर दे देते हैं, ये टू, ये थ्री, पता है ना कैसे? कास एनी एसी अमाइड सनी एनसी एल्डिहाइड कीटोन ऑल थायोल अमाइन, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। एट कार्बन हो तो वर्ड रूट क्या आता है? फास्ट 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 वर्ड रूट, वर्ड रूट इज ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो फिर एन लगा दो, ऑक्टेन, और बाद में लगा दो ओइक एसिड, क्योंकि इसका आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स हम लगा चुके हैं एन। अब आते हैं ये सारे ग्रुप जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना पड़ेगा, कैसे बोलेंगे? सर इसके लिए हम फॉर्माइल लगाते हैं ना, यहाँ पे लिख देते एट नंबर पे, यहाँ साइड पे लिख देते एट पे फॉर्माइल है, और सिक्स पे क्लोरो है, पता है ना भैया? तो फाइव पे ब्रोमो है, और फोर पे हाइड्रोक्सी है। भाई ऑल नहीं लगाएंगे, हाँ प्रीफिक्स लगाना है ना, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये। अब थ्री पे कीटो है और कुछ नहीं है ना, दैट्स इट, डन। अब इसको साइड पे लिख लिया, अब इस पे से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे लगा देंगे। तो सबसे पहले एबीसीडी में मेरे को दिख रहा है बी, फाइव ब्रोमो, तो मेरे को लगाना होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, फाइव ब्रोमो, उसके बाद क्या लगाना होगा? चलो ये डन हो गया, ए बी सी, सिक्स क्लोरो, तो मैंने लगा दिया सिक्स क्लोरो, बी सी डी ई एफ, एफ आएगा ना, एट फॉर्माइल, एट फॉर्माइल, या एल्डिहाइड के लिए लगाया हमने, एट
formyl. नेक्स्ट, चलो ये भी डन. अब हाइड्रोक्सी आएगा या कीटो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच आएगा ना, तो यहां लगा देंगे फोर हाइड्रोक्सी और फिर आ जाएगा थ्री कीटो. ओके, तो क्या नेम हो जाएगा भाई, फाइव ब्रोमो सिक्स क्लोरो एट फोमाइल फोर हाइड्रोक्सी थ्री कीटो ऑक्टेनोइक एसिड. इज इट क्लियर? पक्का? तो कितना भी कॉम्प्लेक्स नेम आपको दिया हो आ जाएगा. थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, डिफरेंट बुक से आप अपने मॉड्यूल से कर सकते हो. फिनिक्स का मॉड्यूल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल इन इंडिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप फिनिक्स मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो, नॉमेनक्लेचर टीचर की हेल्प लो. हम यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं ना, कि बच्चे को थोड़ा बेसिक समझ आ जाएगा, बाकी आगे वो खुद से प्रैक्टिस से कर लेगा. आई थिंक हमें अभी स्टार्ट करना चाहिए नेमिंग ऑफ. हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे करना है देखते हैं. देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या हो गया? ओके, सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, करेक्ट. तो ये पेरेंट चेन हमने ले लिए, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं. चलो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जहां ब्रांच के अंदर भी ब्रांच होती है ना, ब्रांच के अंदर और एक ब्रांच हो या दो ब्रांच हो, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. जैसे कि इस तरह से कोई ग्रुप है और इस तरह से दिया है. अब पेरेंट चेन तो आपको दिख रही है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, तो बोलेंगे हम नाइन कार्बन की है, तो वर्ड रूट आ जाएगा नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन, नॉन एन हो गया. क्या हो गया? नॉन एन. अब देखना, ये पेरेंट चेन के साथ जो कार्बन जुड़ा है ना, इसको हीरो बोलने का, अपन को क्या बोलने का, हीरो. ये हीरो है और हीरो को ऑलवेज वन नंबर देने का, क्या देने का भाई, वन नंबर या वन डैश, और ये टू डैश और ये थ्री डैश. हीरो को वन डैश टू डैश थ्री डैश नंबर दे देने का, हीरो को वन डैश देने का, जो पेरेंट चेन के साथ है उसको हीरो बोलना है और हीरो को वन डैश नंबर दे देने का. बाद में आप जैसा स्टार्ट करते हो वो रूल सारे अप्लाई कर दो. बोलो क्या करना है, नंबर किधर से स्टार्ट करूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से? तो सर लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, लोवेस्ट. इधर से स्टार्ट किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पे आएगा, और इधर से स्टार्ट किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, किस पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है. तो ज्यादा अच्छा क्या है, नाइन पे आ रहे, सेवन पे आए या थ्री पे आए, तो हम बोलेंगे थ्री पे आए वो ज्यादा अच्छा है. वेरी गुड. चलो तो हम लिखेंगे यहां पे थ्री, थ्री नंबर पे ये जो ग्रुप है वो कितने कार्बन वाला है, टोटल चार है लेकिन मेन चेन में कितने कार्बन है, तीन. तो हमें ब्रैकेट में लिख देना है प्रोपाइल,
क्या लिख देना है भाई? प्रोपाइल, इज इट क्लियर? अब ये ब्रांच में भी और एक ब्रांच है जो टूडेज पोजीशन पे है। कहां पे? टूडेज पोजीशन पे। तो हम इधर लिख देंगे टूडेज पे मिथाइल है, टूडेज मिथाइल, क्लियर? तो थ्री ब्रैकेट में लिखेंगे टूडेज मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। थ्री नंबर पे हमने लिया एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम हमने ब्रैकेट में लिखा टूडेज मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। इज इट क्लियर? एक और मेथड है जिससे इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये वाली मेथड आप कंप्लीट कर लो, आ जाएगा पक्का। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सर मैं इधर इस तरफ ले लेता हूं, इसको कैसे नाम देंगे हम? तो सर नंबर देख लो, यहां से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5, यहां से करो 1 2 3 4 5, दोनों से 5 आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप। ओके, पेरेंट चेन डिसाइड होगी। अब जो ब्रांच है उसमें हम ये हीरो इसको बोलेंगे, ये हीरो हो गया हमारा। क्या हो गया भाई? हीरो। हीरो को हमने 1 days नंबर दे दिया, तो ये 2 days हो गया और ये 3 days हो गया। 9 carbon है तो वर्ड रूट तो क्या आ जाएगा? नोन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, नोनेन। ओके, अब ये 5 नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए उसको ब्रैकेट में रखेंगे हम। और कितने कार्बन है उसमें? 1 2 3, तो प्रोपाइल लिख देंगे हम। अब 1 days पे भी मिथाइल है, 2 days पे भी मिथाइल है, तो यहां लिखेंगे 1 days कोमा 2 days। दो बार मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो 1 days कोमा 2 days डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ये इसका नेम हो जाएगा। इज इट क्लियर? किस तरह से देना है वो क्लियर है? अब कोई बोले सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी दो बार हो तो क्या करेंगे? एग्जांपल ले लेते हैं, ये यहां पे ये ले लिया, चलिए, और इधर भी ले लिया हमने सेम। मैं एक और रोल इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, मैं यहां ले ले रहा हूं एक मिथाइल और यहां पे भी एक मिथाइल ले ले रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली ब्रांच इधर ज्यादा दिख रही है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ करना होगा, इसको शॉर्ट कर देते हैं। काम करना पड़ेगा हमें, इसको इसकी लेंथ बढ़ा देनी पड़ेगी, प्रॉब्लम होगी नहीं तो। अभी कोई इश्यू नहीं है, इसको 10 नंबर दे देते हैं, ठीक है? चलिए, अभी वर्ड रूट क्या आ गया? 10 कार्बन हो तो वर्ड रूट आ गया डेक, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो डेकेन लग गया। अब सर मेन चेन में ये जो व्हाइट कलर से दिख रही है उसमें 2 और 4 पे मिथाइल है दो बार, तो हम लिख देंगे 2, 4 डाई मिथाइल, हो गया। अब है 5 और 7 पे कॉम्प्लेक्स लोकेंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए तो ब्रैकेट यूज करेंगे 5, 7।
फिर ब्रैकेट यूज करेंगे हम। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम है, देखो क्या लिखेंगे, ये हीरो है, हीरो ये हीरो है, वन डेज टू डेज, यहाँ पे भी वही है, देखो वन डेज टू डेज, तो इथाइल बोलेंगे इसे, ओके, और वन डेज मिथाइल है उस पर, वन डेज पे क्या है, मिथाइल, तो वन डेज मिथाइल इथाइल डेकेन हो गया। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी कितनी बार है भाई, दो बार है, एक बार फाइव पे है, एक बार सेवन पे है, तो फाइव सेवन डाई बोलेंगे ना, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स दो बार है तो उसके लिए डाई नहीं यूज करेंगे हम, बीस यूज करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, बीस, ब्रैकेट दो बार है तो बीस यूज करेंगे, ओके, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, डाई की जगह पे बीस, ट्राई की जगह पे ट्रीस, टेट्रा की जगह पे टेट्रा किस किस किस, क्या कर रहे हो भाई ये, इट्स टेट्रा किस, ओके, दो की जगह पे दो बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई नहीं लिखना है, बट क्या लिखना है, बीस, तीन बार हो तो ट्रीस, चार बार हो तो टेट्रा किस, इज इट क्लियर, तो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा, टू फोर डाई मिथाइल फाइव सेवन बीस, वन डेस मिथाइल इथाइल डेकेन, इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम दे सकते हो। अब एक जस्ट अल्फाबेटिकल वाला बता दूं, फिर हम इसको लेक्चर को ख़त्म करें, ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, क्योंकि बहुत लेंदी हुआ तो आप खुद देखना ही बंद कर दोगे, है ना। फर्स्ट टाइम वाले नॉर्मल स्पीड से देखें, अदरवाइज प्लेबैक स्पीड आप इंक्रीज करके टू टाइम्स कर सकते हो, जिसने पहले पढ़ लिया है रिविज़न के लिए। चलो अभी हम ऐसा लेके आते हैं कि सर यहाँ पे भी दो बार है इथाइल, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी दो बार ले लेते हैं, काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसको हम येलो से बता देते हैं, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो नंबरिंग तो हम जैसा जिधर ब्रांचेस ज्यादा है उधर से लोवेस्ट वाले से स्टार्ट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन कार्बन है, इसको अगेन टेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर रूल्स में प्रॉब्लम होगी, टेन कर देते हैं ना। चलिए तो वर्ड रूट लगा देंगे डेक, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, सफिक्स प्राइमरी एन, डेकेन हो गया, ओके। अब यहां पे थ्री फोर दो बार इथाइल है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, इसको हटा देते हैं ना भाई, कुछ काम नहीं है अभी तेरा, निकलो। यहां पे थ्री और फोर पे दो बार इथाइल है, थ्री कोमा फोर डाई इथाइल दो बार है, ओके, और ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी दो बार है, देखो फाइव कोमा सिक्स, इसको बीस लिखेंगे ना, बीस दो बार है इसलिए, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोपाइल, देखो ये हीरो को वन डेज दिया, ये टू डेज और ये थ्री डेज, सो लिख दिया मैंने प्रोपाइल, करेक्ट। अब वन डेज पे मिथाइल है तो वन डेज पे मिथाइल लिख दिया, वन डेज पे मिथाइल लिख दिया, अब ये दोनों को हमें लिखना है, यहां इससे पहले भी था क्या ऐसा, हाँ, ये जो नाम देखा ना हमने, इसमें गड़बड़ी की है,
क्या गड़बड़ी की है भाई, चलो कौन बताएगा सर। गड़बड़ी ये है कि हमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स रखने होते हैं ना, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, यस और नो? तो ये नाम तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? अल्फाबेटिकल का रूल ये है, रूल क्या है कि आपको डाई नहीं देखना है, एम देखना है। ओके, डाई ट्राई नहीं देखना है, ऐसा बताया था। लेकिन यहां पे आपको बी देखना है। ओके, 20, 30, 40 आइसोनियो, अगेन 20, 30, 40 आइसोनियो है, या ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर डाई है ना, ब्रैकेट के अंदर डाई है, ब्रैकेट में डाई है, तो उसको आप कंसीडर करोगे, ब्रैकेट वाले डी को कंसीडर करोगे, ब्रैकेट की हर चीज को कंसीडर करेंगे हम। सो फिलहाल तो हम यहाँ पे नहीं, 20 को भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हो तो ही देखेंगे। तो यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे भी एम आ रहा है, इथाइल, मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल के बाद इथाइल भी है, तो सही है हमारा ये वाला, नहीं बिल्कुल सही है। अभी दूसरा वाला एग्जांपल आपको दे रही है, बिल्कुल सही है हमारा, 2.4 डाइमिथाइल 5-20 1 मिथाइल इथाइल, सही है। हाँ, इसमें हम वो ऐड कर देते हैं, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 days 1 day 2 days ऐसा लिख देते हैं, 1 days, 2 days डाइमिथाइल प्रोपाइल। चलिए सर, ये डेकेन तो हो गया, अब यहां दो बार इथाइल है और यहां दो बार, तो पहले ई लेना है या पहले आपको डी लेना है? आप देख रहे हो, मैं यहां पे डी ध्यान में नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहां पे डी ध्यान में ले रहा हूं, ब्रैकेट वाला डी, ब्रैकेट के अंदर जो डी है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे, लिख लेना मेरे वर्ड, ब्रैकेट के अंदर डी है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है तो उसको कंसिडर नहीं करना। तो यहां ई देखेंगे और यहां डी देखेंगे। ओके, तो पहले डी वाला लिखेंगे हम, क्लियर है? सो पहले ये वाला लिखना है हमें, 5.6, बाद में लिख देंगे 20, ब्रैकेट में 1 days 2 days डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट कंप्लीट, बाद में 3.4 डाइथाइल डेकेन। समझ आ रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने किसको ध्यान लिया सर? यहां तो डी को ध्यान लिया, लेकिन इधर मैंने ई को ध्यान में लिया है। ध्यान देना भाई, यहां डी को ध्यान में लिया है, यहां को ई को लिया, यहां डी को नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये रूल है आईयूपीएसी का, जो स्पेशल बोलो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, उसमें डाई या ट्राई को ध्यान में लेना होता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में डाई या ट्राई को ध्यान में नहीं लेना है, क्लियर है? तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल है, आपको इसका मैं अभी जो बोल रहा हूं उसका याद नाम खुद से करना है। एक ही बार करते हैं ना, चलिए। इधर भी 10 कार्बन करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम। नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे फास्ट? इधर से ना, यहां पे ब्रांचेस जल्दी आएगी, तो इधर से नंबर स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
चलो 10 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, डेक। सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, डेकेन हो गया। 4-5 पे डाइमिथाइल है, यहाँ पे लिख देते हैं 4.5 डाइमिथाइल। और दूसरा है 6 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कितने कार्बन का ये हीरो, 1, 2 और 3 कार्बन का, तो प्रोपाइल लिख देंगे। क्लियर है, प्रोपाइल लिख दिया। अब इसको 1 डेज बोलेंगे हम, ये 1 डेज है, ये 2 डेज है, हीरो को 1 डेज बोलते हैं। तो 1 डेज 2 डेज डाइमिथाइल, 1 डेज 2 डेज डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया। अब लिखना किसको है पहले वो ध्यान से देखो, तो यहां पे भी डी है, यहां पे भी डी है, लेकिन यहां एम को देखना है और इसमें डी को देखना है। ओके चलो, तो पहले तो डी आएगा ना, के एम आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले डी आएगा। तो हम लिख देंगे यहां पे 6 1 डेज 2 डेज डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद बाहर वाला 4.5 डाइमिथाइल डेकेन। ध्यान रखें हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां डी को ध्यान दिया है और यहां एम को देखा है। इज इट क्लियर? तो इसके नोमेनक्लेचर अभी आप खुद ट्राई करोगे घर पे, ठीक है? ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, खुद से ट्राई करना है। देन ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ठीक है? ये खुद से ट्राई करना है आपको। और लास्ट 1 हम और 8 यहां पे आपको दे रहे हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये कर ले आप। ये करना है आपको, ये वाला करना है, दिस इज योर 3 नंबर, दिस वन इज योर 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर, दिस वन इज योर 6 नंबर, मैं बता दूं इसके लिए मर्केप्टो लगेगा प्रीफिक्स, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है तो मर्केप्टो प्रीफिक्स लगेगा, आगे हमने लिखा हुआ है। इसके लिए हाइड्रोक्सी लगेगा, इसके लिए कीटो लगेगा, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए ओइक एसिड लगेगा। तो ये देख ले आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, एट नंबर, कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार भी हो सकता है, तो डाई ओइक एसिड लगा देना, डाई ओइक एसिड है ना,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट कार्बन है ना, ऑक्टेन डायोइक एसिड, क्या लिखोगे, ऑक्टेन डायोइक एसिड। देन नाइन नंबर, आप यहां लिख दे एसओ थ्री एच, इधर लिख दे ओ एच, ओके। एंड द लास्ट वन इज टेन नंबर, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सो ये 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट के तौर पे मिले हुए हैं, आप इसको ट्राई करें। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले भी आ गए। हम मल्टीपल बॉन्ड वाला नहीं आया ना, एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीपल बॉन्ड वाला बना देते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ये कर लेना। तो सारे रूल्स कवर करने को ट्राई हमने किए हैं, अब थोड़ा तो प्रैक्टिस से ही आएगा। हमने बेसिक आपको बता दिया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में किस तरह से करते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, ये सब। अब थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, एलीसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, एलीसाइक्लिक मीन साइक्लिक कंपाउंड, उनमें हमें स्पेशल सफिक्स लगाना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, बट कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। मैं एग्जांपल इधर ही देते चलो आपको, जैसे इस तरह से कंपाउंड है और यहाँ पे सी ओ एच है। अब इसको कोई बोले सर कार्बन कितने हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन पे आपके साइकिल में है और एक साइकिल के बाहर है। अगर साइक्लोपेंटेनोइक एसिड बोलोगे तो छह कार्बन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बोलोगे तो वो तो चेन साइकिल के बाहर है, फिर इसको साइकिल में क्यों लिया, तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम नेम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन और फिर क्या लगा देंगे, ये वाला सफिक्स, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इज इट क्लियर। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। इसी तरह एसओ थ्री एच है तो क्या लगाएंगे, सल्फोनिक एसिड। चलो जल्दी से इसका नाम बता दीजिए, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया और इसके ऊपर एसओ थ्री एच है तो सल्फोनिक एसिड लगेगा, ओके। ईस्टर है तो कार्बोक्सिलेट लगाएंगे, ओके, मिथाइल कार्बोक्सिलेट इस तरह से। जैसे कि ये कंपाउंड दिया है, सी ओ ओ और साथ में है सी एच थ्री, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, मिथाइल कार्बोक्सिलेट, इज इट क्लियर। इसी तरह इसके लिए कार्बोनिल हैलाइड लगाएंगे और अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड। जैसे ये है, यहाँ पे ले लेते हैं हम साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, ओके। इसके लिए कार्बोनाइट्राइल लगाते हैं, कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल सी एन के लिए और कार्बल्डिहाइड लगाते हैं इसके लिए। जैसे मैंने ये ले लिया तीन कार्बन और इसके साथ बता दिया सी एच ओ, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। तो एलीसाइक्लिक कंपाउंड के लिए कुछ इस तरह से यूज करना होता है हमें, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स है जो एलीसाइक्लिक कंपाउंड में हम यूज करते हैं। क्लियर है इतना, चलिए अभी हमें लास्ट टॉपिक देखना है, दैट इज माय नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। जितना प्रैक्टिस करोगे
देखो, हम जब न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, आप प्राइमरी से सेकेंडरी में आए होंगे, तो वहाँ नए नए फ्रेंड्स होते हैं हमारे। वो पहले दिन तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन छगन है, कौन मगन है, कौन डैनियल है और कौन गांधी है, हमें कुछ पता नहीं चलता। फिर उनसे जब बार बार मिलते हैं ना, हम नेक्स्ट डे फिर स्कूल गए, फिर हमने हैंडशेक किए, फिर हमने फ्रेंडशिप बढ़ाने को कोशिश की, मेल को मेल के साथ, फीमेल को फीमेल के साथ करना है ना, तो हम फिर नाम जानते जाते हैं। जब बार बार मिलते हैं ना, तो हमें नाम याद रह जाते हैं कि भाई ये राहुल है और ये मुकेश है और ये दिनेश है, इस तरह से। तो बेंजीन वाले कंपाउंड्स भी आपने 11th में ज़्यादा नहीं देखे होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक कंपाउंड जो 12th में यूज़ होने हैं वो बता दूँ। इस तरह से अगर कोई कंपाउंड है तो ये बेंजीन नहीं है, ये क्लियर कर ले। इट इज साइक्लोहेक्सेन, जिसे आज सिखाया आप, साइक्लोहेक्सेन है, इट इज नॉट बेंजीन। इसको बेंजीन बोलना छोड़ दे, ये बेंजीन नहीं है। ओके, वो हेक्सागोनल देखता है ना बच्चा, तो तुरंत बोलता है बेंजीन है, बट ये बेंजीन नहीं है, इसका ध्यान रखे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सीन। आज ही हमने पढ़ा ना, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स और फिर इन लगा देंगे, दिस इज साइक्लोहेक्सीन एंड नॉट बेंजीन। और अभी हम लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज योर साइक्लोहेक्साडाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोहेक्साडाइन। लेकिन अगर ये ले लेंगे, इसे हम बोलेंगे बेंजीन। ओके, तो ये बेंजीन है, इसका ध्यान रखे। जहां कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से बॉन्ड्स है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्लियर है? अब कोई बेंजीन को ऐसे भी लिखेगा तो कोई इश्यू नहीं है। कोई ने बॉन्ड्स ऐसे बता दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई बेंजीन को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? अभी चलेगा आपका बेंजीन का, कोई आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताओ या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताओ, कोई इश्यू नहीं है। अब बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स है जो 12th में आपको बहुत ज्यादा यूज होने हैं, उसके फैमिलियर होना है ना आपको, तो बार बार उससे मिलना पड़ेगा, बार बार स्कूल जाना पड़ेगा, बार बार रोज उसे हाथ मिलाओगे आप, तो आपको याद रह जाएगा कि भाई इसका नाम रोहन है और इसका नाम गगन है और इसका नाम छगन है, इसका नाम मगन है। ओके, तो वैसे ही कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख दे रहे हम। दिस इज योर टॉल्यूइन, इसको क्या बोलते हो हम, टॉल्यूइन। इसको हम बोलते हैं फिनॉल। ओके, ये सब बेंजेनॉइड्स है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। फिनॉल, यहाँ पे हेलोजन हुआ, जहाँ पे एक्स की वैल्यू फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन या आयोडीन हो सकती है, फ्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, हेलोबेंजीन, जो आपका पहला ही चैप्टर है ना उसमें आएगा हेलोबेंजीन। फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन बोलना है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका ये वाला कंपाउंड जो आप सेकेंड लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इसको एनिलीन बोलते हैं। अमाइनो बेंजीन को क्या बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन। ओके, अमाइनो बेंजीन को हम एनिलीन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनॉल भी बोल सकते हैं, आईयूपीएसी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, और एनिलीन और एनिसोल में कुछ डिफरेंस है, दिस वन इज योर मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल बोलते हैं, क्लियर है? और इथॉक्सी बेंजीन को हम फेनिटोल बोलते हैं, इथॉक्सी बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, फेनिटोल, एनिसोल फेनिटोल, इसका ध्यान रखें। बेंजीन के ऊपर अगर सी एच ओ है
तो आप बेंजीन कार्बलडिहाइड या तो बेंजालडिहाइड भी बोल सकते हो, बेंजालडिहाइड और बेंजीन कार्बलडिहाइड। बेंजीन के ऊपर अगर COOH है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो। बेंजीन के ऊपर अगर SO3H है तो आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलोगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स थे ना, जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे, वो मैंने बता दिए। एटलीस्ट हेलो अल्केन तो आप कर ही लोगे। हाँ, दो तीन नाम और बता दूं मैं आपको। ये COCH3 है ना, वन फिनाइल इथेन वन ऑन, वन फिनाइल इथेन वन ऑन, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। कॉमन नेम इसका क्या है? एसिटोफिनोन। ओके, तो ये एक ध्यान रखिए, एसिटोफिनोन जो आपको हेल्प करेगा। और दो तीन कंपाउंड यहां पे दे दूं मैं आपको। ज़ाइलिन बोलेंगे इसको, ये मेटा पोजीशन बोलते हैं। तुरंत एडजेसेंट पोजीशन हो ना, इधर इस साइड या इस साइड, उसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। एक छोड़ के हो उसे मेटा पोजीशन बोलते हैं, और इसे पेरा बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्थो ज़ाइलिन, ये मेटा ज़ाइलिन और ये पेरा ज़ाइलिन। ओके, और ये आपका हो गया OH के साथ ऑर्थो पे CH3 हो तो क्रेसोल, ऑर्थो क्रेसोल। मेटा पे हो तो मेटा क्रेसोल, इसे मेटा क्रेसोल और इसे हम पेरा क्रेसोल। ओके, क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक नेम मैंने बता दिए, लास्ट वाला भी बता दे आपको। अगर दो OH हो, ऑर्थो पोजीशन पे हो, मेटा पोजीशन पे हो एंड पेरा पोजीशन पे हो, तो ये डायोल को हम कैटेकोल बोलेंगे। केरी हाई रिसोर्सिनोल एंड हाइड्रोक्विनोन। केरी हाई केटोकोल रिसोर्सिनोल हाइड्रोक्विनोन, और ये है जो क्रेसोल है, देखो क्रे क्रे मतलब कार्बन, ऑल ऑल भी होगा क्रेसोल। और ये है ज़ाइलिन, ये है आपका एसिटोफिनोन, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजालडिहाइड, फाइनिटोल, एनिशोल, एनिलीन, हेलोबेंजीन, फिनोल एंड टॉल्यूइन। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बहुत से और भी है, लेकिन वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे वैसे वैसे सब क्लियर होता जाना है। होपफुली लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी से फिनिक्स एडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हो सकता है आइसोमेरिज्म आगे हम अपडेट करें, या पूरा GOC जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट्स है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, अल्फा इफेक्ट है जिसको हम बैकबॉन्डिंग बोलेंगे, ये सब पढ़ना है अगर आपको, तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो 10th और 11th या 12th में पढ़ रहे उनको भी सब्सक्राइब करवाएं, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर होने और कहाँ होने, एक ही प्लेटफॉर्म है जो बच्चों का हमेशा से ध्यान रखता है, वो है फिनिक्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो भी आपके क्लासमेट्स है उनसे आप शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपके प्यार मिलता रहे, तो हम बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, बने रहिए फिनिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।